सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएसी क्वेश्चन में जितने भी हमारे साइक्लो वाले होते हैं, बेंजीन वाले होते हैं, फेनिल वाले होते हैं, टाइलिन वाले होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ सिंपल जितने भी होते हैं कार्बन चेन के और कितने हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इन तरीके के जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमारा साइक्लो वाला होता है और कुछ हमारे अलग अलग उसके स्ट्रक्चर बेस्ड जो हमारे आईपैक क्वेश्चन होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें उसके लिए सबसे पहले कार्बन चेन के नाम पता होना चाहिए कि अगर दो कार्बन है तो उसके लिए हम कौन सा नेम देंगे, तीन कार्बन है तो उसके लिए कौन सा नेम देंगे, चार कार्बन है तो उसको कौन सा नाम देंगे। तो ये सब चीजें अगर आपको जाननी है तो आप पिछले वीडियो में अगर क्लिक करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको इजिली आईयूपीएसी क्वेश्चन करना आ जाएगा। तो बेसिकली जो हम बात करते हैं आईयूपीएसी क्वेश्चन की, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो आप एक साइड में आप रफ रफ पे जो कर लीजिए उसमें आप पहले सबसे पहले आप लिख दीजिए कि आप कि कार्बन की चेन कितनी है, फिर आप देख लीजिएगा बॉन्ड कौन सा है, फिर आप नंबरिंग किधर से स्टार्ट किया उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए कि दूसरे पर ई है, तीसरे पर ई है, और इस तरीके में आपको फिर उसके बाद आप लिखिए सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है। अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट पता चल गया तो मतलब इस तरीके आप सारी चीजें पहले फाइंड आउट कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो आपकी एक आदत सी बन जाएगी और ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले हर चीज उसमें याद रखना पड़ता है। जैसे कि हम अगर किसी भी क्वेश्चन को लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ मतलब कि कुछ हमारे फॉर्मूला और कुछ नेम होते हैं वो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी OH लिखा हुआ है, मतलब OH लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए ये आपके लिए अल्कोहल के लिए यूज किया गया है। तो आप जब उसका नेम लिखोगे तो आप उसमें AL ऐड कर देना कि दूसरे नंबर पर AL है, और फिर उसके बाद अगर कहीं पर भी आपको दिख रहा है एल्डिहाइड तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, AL, वो COH होता है, उसको आप क्या लिखोगे बाद में AL लिखोगे, क्या लिखोगे गाइस, AL लिखोगे। अब देखिए, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, जो हमारा नेक्स्ट होता है वो बेसिकली जो होता है, देखिए यहाँ पर आपका फ्लोरो दिया गया, जैसे कि आपका ये फ्लोरो है, हाँ, तो जैसे कि आपका कहीं पे फ्लोरो UF दिखा आपको साइन, तो आप समझ जाइए कि ये F नहीं बल्कि ये आपकी केमिस्ट्री का फ्लोरो है, और जहां पर आपको सीएल दिख जाए आप समझ जाइए कि इसका मतलब फ्लोरो है। आप वहां पर जब आप नेम लिखोगे तो आप फ्लोरो यूज कीजिएगा। उसके बाद बीआर है, तो बीआर का मतलब क्या होता है, ब्रोमो होता है। फिर हमारा अगला आता है आई का सिंबल, आई सिंबल दिया गया आप समझ जाइए आयडो है। उसके बाद अगर एनओ टू दिया गया है, एनओ टू और एनओ में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एनओ टू का मतलब होता है नाइट्रोसो, मतलब नाइट्रो, और एनओ का मतलब होता है नाइट्रोसो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगर कहीं पर भी N फिर डबल बॉन्ड N लिखा हुआ तो आप समझ जाइए हमारा डाइएजो है, क्या है, डाइएजो है। उसके बाद OR लिखा हुआ है तो ये क्या है आपका, OR लिखा दिया आपका एल्कोक्सी है, क्या है, एल्कोक्सी। फिर अगर O है तो इपोक्सी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है CH3, ये सबसे कॉमन है जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूएंट लगा ही लगा रहता है, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है मिथाइल या मैथिल। उसके बाद C2H5, तो ये आपका एथिल है। उसके बाद CH2 है, फिर डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा विनाइल। उसके बाद C6H5 कॉल्ड अ फिनाइल। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए आपके सामने टफ क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। पहले हम बात करेंगे जितने भी कार्बन के, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट वाले या बॉन्ड वाले क्वेश्चन होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको चार कार्बन की चेन मिली है, तो पहला काम आपका पहले आपको ये चार कार्बन की चेन मिली, उसके बाद इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया गया, और यहाँ पर आपका लगा दिया गया CH3, और यहाँ पर आपका CH3 लग चुका है। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम आपका बनता है किसी भी आईयूपीएसी क्वेश्चन को देखकर कि आप उसमें हाइड्रोजन फिल करोगे। तो इसमें देखिए एक बॉन्ड इधर से आया है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, H3 लिख देंगे सिंपल। इसमें एक इधर है, दो इधर है, एक इधर है, मतलब चार है, इधर तीन है, तो यहाँ पर एक सिंपल से एक छोटू से लगा देंगे, इधर एक ही है तो इधर H3 लगा देंगे। सो आई होप कि आपको हाइड्रोजन फिल करना अच्छे से आ गया। अब उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे। आप ये सोच रहे हो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम इतना भूल जाते हैं तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे, अगर हम इतना भूल जाते हैं तो नंबरिंग हम
किधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 इधर से स्टार्ट करेंगे, दूसरे पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है क्योंकि हम प्रियोरिटी इसमें किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। लेकिन अगर यही हमारे टफ में क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, तब आप क्या करोगे, आप किस चीज को प्रियोरिटी दोगे, तब आप इधर से स्टार्टिंग नहीं बल्कि इधर से स्टार्टिंग करोगे। आपने उस टाइम क्या किया था, आपने इधर से स्टार्टिंग की थी क्योंकि ये इधर से पास पड़ रहा था, और इस बार भी ऐसा ही कि ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, तब आप इधर से स्टार्ट करोगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए पहले 1 ये हमारा दूसरा कार्बन, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, पहली चीज है नंबरिंग करना। फिर देखिए 2 मिथाइल 2 मेथिल, फिर उसके बाद देखिए 2 मेथिल, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूट, 2 मेथिल कॉमा ब्यूट, दूसरे पर डबल बॉन्ड, तो ब्यूट टू ई, डबल बॉन्ड के लिए देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं ये आपको अच्छे से पता। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। सो आई होप कि आपको इतना भी अच्छे से समझ में आएगा इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए उसी जगह हमारा ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से आता है, उसमें क्या होता है, दूसरी तरीके वाले क्वेश्चन में अगर इसमें थोड़ा टफ दे दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आपका लगा दिया गया, ये आपका CH3 लिखा हुआ है, ये भी आपका इधर ही CH3 लगा हुआ है, उसके बाद ये आपका हाइड्रोजन भी फिल तो होगा नहीं, और फिर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फिल हो जाएगा। देखिए कैसे, इधर यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर आपका H निकला हुआ तो यहाँ पर आपका एक H फिल हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इतना भी, अभी ये हमारा एक क्वेश्चन आया। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 चीजें मिल रही, एक सब्स्टिट्यूएंट लाइक मेथिल और दूसरी चीज आपको मिल रही है क्या, डबल बॉन्ड। तो आप यहाँ पर प्रियोरिटी किसको दोगे, आप पहले प्रियोरिटी दोगे अपने सब्स्टिट्यूएंट लाइक मेथिल को जो कि आपके कार्बन चेन पे लटका हुआ है। देखिए 1 2 3 4, अब इधर से देखिए 1 2 3 तीसरे पर आ रहा है ये, और इधर से एक बार करके देखते हैं 1 2 दूसरे पर, इधर ही से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4। अब पूरा क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ये नहीं कि बॉन्ड देख लिया तो जैसे स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट एक बार कर दिया सब्स्टिट्यूएंट के प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग, तो इधर से ही पूरा क्वेश्चन होगा, चाहे बॉन्ड लास्ट पर ही क्यों ना है। समझ में आया, अब देखिए 1 2, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 मेथिल, फिर उसके बाद देखिए 2 मेथिल ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूट, और इधर किस पर लगा हुआ है 2। आई होप कि आपको इतना भी अच्छे से समझ में आया होगा कि ये किसके लिए बॉन्ड लगा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगर यहीं पर आपको ये डबल बॉन्ड, तो यहीं पर अगर यहीं पर आपको एक और मिल जाता, इन द सेंस आपको एक आपको सब्स्टिट्यूएंट और मिल जाता CH3, तब आप क्या करते, आप आसानी से इधर से तो आप करते नहीं, आप इधर से स्टार्ट करते क्योंकि आपको पहले कार्बन की चेन पर ही आपको सब्स्टिट्यूएंट CH3 मेथिल मिल रहा है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 1 2 3 4 कर दिए, तो देखिए 1 1 2 पर, मतलब 1 कॉमा, देखिए हम आपको सिंपल से बताते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है। पहले पर जो है हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट लगा है, दूसरे पर लगा है, तो आप लिखोगे 1 कॉमा 2, फिर 2 मेथिल है तो क्या लिखोगे, डाई मेथिल, 2 के लिए डाई मेथिल। अगर यहाँ पे 3 हो तो आप ट्राई लिखते हो, 1 2 कॉमा 3 भी लिखते हो, एक बार में कुछ नहीं होता, 1 कॉमा 2 कॉमा डाई मेथिल, फिर उसके बाद ब्यूट, 4 कार्बन है, 1 2 2 इन, दूसरे पर डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, 1 कॉमा 2 डाई मेथिल ब्यूट 2 इन। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसी जगह आपके एक और कोई लग गया होता, मतलब एक और आपका सब्स्टिट्यूएंट लग गया होता, तब आप क्या करते, तो इसके लिए आप बेसिकली ये करते कि आप यहाँ पर लिख देते, देखिए बार बार नहीं, अब एक अगर है तो आप क्या लिखोगे, 1 कॉमा 1 मेथिल, और अगर 2 है तो 1 कॉमा 2 डाई मेथिल, और अगर 3 है मेथिल 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ट्राई मेथिल, इस तरीके से आपका होता है। उसके बाद अगर कहीं पर भी आपको ऐसे मिल जाए क्वेश्चन CH3 CH2, मतलब ऐसे कुछ मिल जाए, तो आप तुरंत एथिल लगा दीजिए, 2 पर एथिल, मतलब 2 एथिल 1 मेथिल, ऐसे आप करके उसको कंप्लीट कर सकते हो।
तो उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एक दूसरे क्वेश्चन, इसके लिए आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ए सी का फॉर्मूला देख लीजिए, बेसिकली होता क्या है, C2H5, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर ये फॉर्मूला आपको दिख जाए तो आप उसको एसिल कर दीजिए। अगर कहीं पर भी आपका सी दो बार अगर कहीं भी कार्बन, मतलब CH3CH2 है, तो आप समझ जाइए, मतलब CH3 या CH2, आप समझ जाइए कि हाँ ये हमारा एथिल का है, चाहे वो ऐसे बॉन्ड में अटैच ही क्यों ना हो, नाम आपका एथिल होगा। और कभी भी अगर आपको कार्बन की चेन ऐसे मिल जाए तो आप उसको कैसे चूज करोगे, देखिए ये आपको कार्बन की चेन ऐसे मिल गई तो आप इसमें से क्या करोगे यहाँ पर, तो देखिए आपको ऐसे अगर कार्बन की चेन मिले तो आपको एक लंबे कार्बन की चेन मतलब स्टार्ट करनी पड़ती, मतलब आपको सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी, तो आपकी सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी दिख रही है, ये ऐसे आप करोगे यहाँ से, अब आप ये मतलब ये आपकी लंबी कार्बन चेन होगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि आपका यहाँ पर मतलब कुछ नहीं लगा हुआ है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आप बड़ा कार्बन देकर आप ऐसे आ जाओगे, अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं तो आप ऐसे जाओगे। आई होप कि आपको ये भी मतलब कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहले अच्छे से मतलब लंबी कार्बन चेन को ढूंढना है, ठीक है। अभी इतने को इस तरीके के क्वेश्चन में आपको लंबे कार्बन चेन, छोटी कार्बन चेन नहीं दिखेगी, ये सब ऐसे ही सिंपल होते हैं। तो आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि अगर एक कार्बन है तो आप उसमें मेथ यूज करेंगे, अगर दो कार्बन है तो आप एथ यूज करेंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और अगर तीन कार्बन है तो आप प्रॉप यूज करेंगे, चार कार्बन है तो आप ब्यूट यूज करेंगे, पांच कार्बन है तो आप पेंट यूज करेंगे, छह कार्बन है तो आप हेक्स यूज करेंगे, सात कार्बन है तो आप हेप्ट यूज करेंगे, और अगर आठ कार्बन है तो आप ऑक्ट यूज करेंगे, नाइन कार्बन है तो आप नॉन यूज करेंगे, और अगर दस का है तो आप डेक यूज करेंगे, और 11 और 12 आपको एक्स्ट्रा अंडेक और डूडेक। सो आई होप कि आपको कार्बन की चेन भी काउंटिंग करना अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे समझा, आप एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। अब उसके बाद हमारा जो आता है कि अगर क्वेश्चन में मतलब ये देखिए, अगर ये कार्बन की चेन आपके सामने दिया गया और यहाँ पर आपका OH लगा हो तो आप क्या समझेंगे, हमारा अल्कोहल है, क्या है हमारा, ये हमारा अल्कोहल है। अगर उसी जगह आपका जो है CHO लगा हुआ है तो आप समझिए आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए अगर हमने उसको नंबरिंग में सॉल्व की तो हम लोग का AL आएगा, क्या आएगा, AL आएगा एल्डिहाइड के लिए। अब उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे बचते हैं कि जिनमें कुछ हमें साइन दिख जाता, मतलब ये हमारी कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है, और यहाँ पर आपका F, देखिए हाइड्रोजन फिल करना वो आपका काम, उसके बाद भी यहाँ पर आपको F लगा मिला है, यहाँ पर आपको Cl लगा मिला है, और यहाँ पर आपको क्या लगा हुआ मिला है, यहाँ पर आपको CH3 मिला, तो आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। नंबरिंग अगर आपने इधर से स्टार्ट कर दी तो आप देख, आप इसमें किधर आप देख रहे हो कि इधर भी फर्स्ट है इधर भी फर्स्ट है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो है अल्फाबेटिकली ये अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, तो आप इधर से स्टार्ट कर दोगे। सो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इधर से हम लोगों का पास पड़ेगा, ये अल्फाबेटिकली ये पहले आते हैं और अल्फाबेट में ये बाद में आता है, तो हमने इधर से स्टार्ट कर दिया मिथाइल से, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पिछले वीडियो में आप जाकर एक बार देख लीजिए कि हमने जितने भी हमारे बेंजीन वगैरह के मतलब क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।